रोहित कोहली का अर्धशतक बेकार, कंगारुओं ने जीता तीसरा वनडे, भारत का सीरीज पर कब्जा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे गंवाया। भारत को राजकोट के मैदान पर 66 रन से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 353 रनों का लक्ष्य दिया था, जवाब में भारतीय टीम ने 49.4 ओवर में 286 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने कातिलाना गेंदबाजी की, उन्होंने 10 ओवर में 40 रन देकर 4 अहम विकेट चटकाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 57 गेंदों में 5 चौके और 6 छक्कों की बदौलत 81 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने 61 गेंदों में 56 रन बनाए, उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि 2-1 से सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहा। भारत ने पहले वनडे में 5 और दूसरे मैच में 99 रनों से जीत हासिल की थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अच्छा आगाज किया। रोहित और वाशिंगटन सुंदर ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। सुंदर 10वें ओवर में आउट हुए। रोहित और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 70 रन की पार्टनरशिप की। रोहित ने 21वें ओवर और कोहली ने 27वें ओवर में अपना विकेट खोया। तीनों मैक्सवेल के जाल में फंसे। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की और भारत को 220 रनों के पार पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला। मैक्सवेल ने अय्यर को 39वें ओवर में बोल्ड किया। इसके बाद भारत की हालत लगातार खस्ता चला गया। रविंद्र जडेजा ने दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। जोश हेजलवुड ने 2 जबकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, कैमरन ग्रीन और तनवीर सांगा को 1-1 विकेट मिला। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 352 रन जुटाए। सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्स ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 84 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से 96 रनों की पारी खेली। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट लिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई की टीम की शुरुआत अच्छी रही। डेविड वार्नर और मिचेल मार्स ने पहले विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी कृष्णा ने 9वें ओवर में तोड़ी। मार्स ने दूसरे विकेट के लिए स्टीव स्मिथ के साथ 137 रनों की पार्टनरशिप की। मार्स 27वें ओवर में कुलदीप यादव और स्मिथ 32वें ओवर में मोहम्मद सिराज का शिकार बने। इसके बाद मार्नस लबुसेन ने मोर्चा संभाला। हालांकि मार्नस लबुसेन को दूसरे छोर से कोई खास साथ नहीं मिला। एलेक्स कैरी 11, ग्लेन मैक्सवेल 5 और कैमरन ग्रीन 9 रन बनाकर चलते बने। लबुसेन ने कप्तान पैट कमिंग्स के साथ 8वें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की। लबुसेन ने 49वें ओवर में पवेलियन लौटे। मिचेल स्टार्क 1 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है।